पंजाब सरकार पुलिस प्रशासन बादलों नाल किते ना किते जारी निभाउंदा नजर आउंदा। असी सुख सरकारिया मंत्री जिहड़ा खालसा कॉलेज के लागे उन्हां दा घर है उन्हां दी कोठी के बाहर कल 12 बजे असी कीर्तन रखिया। जमीर की आवाज़ नूं सुनो ना कि तुसी कैप्टन सरकार दे कसीरी बन के रह जाओ। कैप्टन साहब ने पोथी फड़ के झूठ बोलिया ते अज असी पोथी पढ़ के सच बोल रहे हैं ते बोलांगे। और ये सब काहे दा जिम्मेवार बादल परिवार है। उन्हें कह रहे ना कि कांग्रेस ते बादल इनू तुसी दो पक्ष ना समझो, इक्को ही सिक्के दे दो पहलू ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के 328 पावन स्वरूप गायब होने के मामले के पिछले लंबे समय तो संघर्ष जिहड़ा है भाई बलदेव सिंह वडाला होना वालों वड्या गया है, तो उहदे विच हुण आने वाले समय के सरकारी नेता जिहड़े ने उन्हां दा घराव किया जाएगा, तो किस तरह की स्थिति है साडे नाल बलदेव सिंह वडाला जी मौजूद ने। वाहेगुरू जी का खालसा जी, जी अज जरा होका जरा दे रहे हो की होका जरा दे जा रहे हो कि पिछले लंबे समय तो गल करिए लंबे समय तो तुम इस जगह तक जगह भी दिखा रहे हैं जिते कि एक बड़ी देर तो उत्थे एक रहम की अपील मंगी जा रही कि महाराज के पावन स्वरूपों के साल दिता जाए, तो हूँ की स्थिति है? पिछले 4 नवंबर तो अरदास करके सिख सदभावना दल गुरुद्वारा अज 57 दिन हो गए सानू बैठे 328 स्वरूपों का इंसाफ लैन लई पंजाब सरकार पुलिस प्रशासन बादलों नाल किते ना किते जारी निभाउंदा नज़र आउंदा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट अनुसार ये अपराध है इहदा उन्हां नू उस दिन ही मुकदमा दर्ज कर देना चाहीदा सी, पर ऐसा नहीं होया। और असी इसे संघर्ष नू तिखा करदे आ पिछले दिन ही जेल मंत्री दे घर दे बाहर होका दे के आए हैं, कल असी तृप्त बाजवे दे के आए हैं, हुण कल सवेर नूं भलके दा जिहड़ा दिन 30 दिसंबर दा है असी सुख सरकारिया मंत्री जिहड़ा खालसा कॉलेज दे लागे उन्हां दा घर है उन्हां दी कोठी दे बाहर कल 12 बजे असी कीर्तन रखिया। असी उत्थे कल नूं होका देण जा रहे हाँ कि अंदर दी जमीर दी आवाज़ नूं सुणो ना कि तुसी कैप्टन सरकार दे कसीरी बन के रह जाओ, उस हाउस च जा के साडी गल करो जिहड़ा तुसी कसमां खा के कदे सौं चुकियां सीगियां असी तुहाडा ख्याल रखांगे। अज उहनां नूं उहनां दीआं जिम्मेवारियां दा अहसास कराउण लई ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दा इंसाफ लैण लई असी हर मंत्री जिहड़ा इहनां दे कैबिनेट इहनां दी हैगी आ 17 मंत्री ने उहनां दे घरां च जा के असी होका दे रहे हां ते कल नूं सवेर नूं जिहड़ा है 12 बजे सुख सरकारिया मंत्री के घर के बाहर जा रहे। पर कारण की है महाराज के स्वरूप गायब हो गए? वो पंजाब सरकार जी सूबे की राखी होंगी है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जेडे गुटका साहब के हाथ रख के 100 खाने जिन्हों के सिर पर वोटा लिखिया जाए, तो अब जो महाराज स्वरूप की गल आती है तो कोई भी हाथ नहीं पल्ला नहीं बना रहा। श्रोमणी कमेटी की श्रोमणी अकाली दल की कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अक्सर निशाने साहब की आई है, बट वो कांग्रेस भी कुछ नहीं करती कि ठीक है तुम करना दे के अपना काम कर रहे हो, अभी अपने काम की शलाघा करते हैं, पर सरकार क्यों नहीं जागती? कारण की है? कारण इसका साफ नज़र आता है कि कैप्टन साहब ने पोथी फड़ के झूठ बोलिया ते अज असी पोथी पढ़ के सच बोल रहे हैं ते बोलांगे। और इन्होंने जिहड़ा 2017 च लोगों को गुमराह किया कि साडी सरकार लियाओ गुरु ग्रंथ साहिब के दोषी फड़ांगे ते पंजाब नूं नशा मुक्त करांगे, हुण असीं कैप्टन सरकार नूं इह कहना चाहुंदे पंथ घोके वालों भी तुसीं आ पिछले 3-4 साल तों बादल कोड़मे नाल जारी निभाई आ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਲਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਣ,
ना वो सियासी तौर पर इंसाफ ले सकन ना वो समाजिक तौर पर इंसाफ ले सकन पिछे कौन है कौन है पिछे इन्हां इन्हां दे पिछे सिख विरोधी ताकत कौन है ये तुहानू नहीं पता ते मैनू सवाल है कौन है आखिरकार पर कौम इस तरह जी इंसाफ लैण दी गल कर रही है मतलब कौन है कौन कर रहे क्योंकि कौम एक अपनी वक्री पहचान है असी पूरी दुनिया के सिख कौम हर जगह से है अपना झंडा चुनिया पर अपने ही मुल्क अपने ही सूबे सानू अज तशद्दुद करनी पै रही देखो जी इस तशद्दुद जी मशक्कत करनी पै रही है जे तशद्दुद हो रहा है ये तो सब तो वड्डा जिहड़ा कारण आ और पिछले तुम जिन्हें भी इन्हों के 78 तो लैके सारा कुछ पढ़ के देख लो बादल टब्बर जिहड़ा सीगा सिख विरोधी सोच आर एस एस दा मैंबर बन गया सीगा 78 दे विच उदों बाद ये ज्यों ज्यों उन्होंने इन्हों चलाया त्यों त्यों चले ने ते हुण भी उत्थे ही चल रहे पर हुण ते कांग्रेस की सरकार है आपां अकाली दल नूं दोष नहीं दे सकते क्योंकि सरकार कांग्रेस दी है सब तो जरा एक दूजे की लड़ाई होती अकाली दल वर्सिस कांग्रेस होती है तो कांग्रेस की सरकार जी मैं उही कह रहा ना कि कांग्रेस ते बादल इनू तुसी दो पक्ष ना समझो एको ही सिक्के दे दो पहलू ने और ये एक दूजे दे एहोजे यार ने जिन्हां ने पंजाब दे लोकां नू हर थां ते दगा दिता ते अज गुरु ग्रंथ साहिब तो अगे साढ़े को कोई चीज़ नहीं है और अज सानू पंजाब सरकार कैप्टन दी जिहड़ी कांग्रेस दी इत्थे दी पंजाब दी उह अज साढ़े नाल धोखा कर रही है कौम नाल धोखा कौम नाल धोखा कर रही महाराज दे सरूपां वास्ते जेकर आवाज़ ना उठाई जाएगा बिल्कुल जी फिर जे इन्हां ने अज आवाज़ ना दित्ती पंजाब सरकार ने मैं कीर्तनी आ 13,000 पिंडां च जा के मैं सच बोलांगा और वह इन्हां दे खिलाफ होऊ क्योंकि सच्चाई इन्हां दे खिलाफ जानी है जे ये झूठ बोल सकते ने तो फिर मैं 13,000 पिंडां च सच बोलांगा कि लोग जागरूक हो जाए पर इन्नी इन्नी क्यों लोड़ महाराज सिंह सभी दरबार महाराज का दिल से पौंदी हर बंदा सरकार करता है शीश नूं आउंदा पर जिहदे कि शीश नूं आउंदा कि सरकार ने कहा असीं करांगे पर हुण तुसीं लै ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਾਗਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਇਹ ਅਵੇਸਲੇ ਨੇ ਅਵੇਸਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੋਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਾਇਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 13,000 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜਗਬਲ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ